गुड मॉर्निंग एट क्लास, टुडे इज आवर ज्योग्राफी क्लास और आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 5 करने वाले हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग एंड इट्स टाइप्स। यानी जो एग्रीकल्चर है वो क्या है एंड फार्मिंग एंड इट्स टाइप्स, जो फार्मिंग है वो कितने तरीके की है। ओके, सो फर्स्टली एग्रीकल्चर मीन्स कृषि। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि जो कृषि है वो बहुत ही तरीके से इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इट्स इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम बहुत तरह की चीज़ों को एक तरीके से ग्रो करते हैं, यानी उनके तरीके उगाते हैं, जिस लाइक वेजिटेबल, फ्रूट्स, क्रॉप्स, फ्लावर्स। ओके, ये सारी क्या है, ये सारी एक तरीके से क्या है एग्रीकल्चर, जो कि हमारे क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल ओवर द वर्ल्ड 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। यानी कि एक तरीके से पूरे विश्व में कितने 50% जो पॉपुलेशन है, यानी कि 50% जनसंख्या जो कि कौन सी फील्ड में काम कर रही है, एग्रीकल्चर की फील्ड में काम कर रही है। 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और एक तरीके से हमारी इंडिया में देखा जाए तो 2/3 ऐसे एक तरीके से जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, लोग हैं जो कि किसके काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की फील्ड में एक तरीके से काम कर रहे हैं। और पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो 50% जो पॉपुलेशन है वो कौन सी फील्ड में काम कर रही है, एग्रीकल्चर की फील्ड में काम कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर, यानी कि वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एग्रीकल्चर को एक तरीके से प्रभावित करते हैं। सो फर्स्टली देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट इंक्रीज द एग्रीकल्चर ऑफ अ रीजन, यानी कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हर एक क्षेत्र में जो हमारी एग्रीकल्चर है कृषि है उसको एक तरीके से प्रभावित करते हैं, जिस लाइक अ क्लाइमेट, रिलीफ फीचर, सॉइल, सोशो एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एग्रीकल्चर को क्या करता है, इफेक्ट करते हैं, उन पर डिफरेंट टाइप्स के तरीके से प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ फार्मिंग, कि जो फार्मिंग है मीन्स खेती वो कितने टाइप की है, कितने तरीकों की है। सो फर्स्टली एग्रीकल्चर इज मेनली ऑफ 2 टाइप्स, यानी कि जो एग्रीकल्चर है वो कितने टाइप्स का है, यानी कि कृषि जो है वो 2 टाइप्स की है, कौन कौन सी, सब्सिस्टेंस एंड कॉमर्शियल। सब्सिस्टेंस फार्मिंग कौन सी फार्मिंग होती है, सो फर्स्टली सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर मीन्स जीविका कृषि, इट मीन्स सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। इट इज इन प्रैक्टिस इज नेटिव बेस्ड, इट इज बेसिकली प्रैक्टिस टू मीट द रिक्वायरमेंट एंड नीड्स ऑफ ए फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज। यानी कि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर है जिसमें कि एक तरीके से देखा जाए तो ये एक तरीके से एक स्मॉल ग्रुप के जो लोग होते हैं वो इसे एक तरीके से करते हैं। मानो एक तरीके से सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में जीविका कृषि, यानी कि कोई भी एक छोटा सा परिवार अपने जीवन निर्वाह के लिए एक तरीके से कौन सी खेती, जीविका कृषि करता है। अब वो कैसे करता है, सो फर्स्टली जो किसान है वो डिफरेंट टाइप्स के तरीके से जो क्रॉप्स है, फसल है, उनकी खेती करता है। और उनकी खेती करने के लिए एक तरीके से उसे किसकी नीड पड़ती है, उसकी एक तरीके से जो फैमिली है, जो परिवार के लोग हैं वो एक तरीके से उसे उसकी जरूरत पड़ती है, वो एक तरीके से उस डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स को उगाने के लिए उनकी एक तरीके से सहायता करते हैं। ओके, जिससे हम क्या कहते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, यानी कि जीविका कृषि। कोई भी एक छोटा सा परिवार अपने जीवन निर्वाह के लिए एक तरीके से क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स को उगाता है, और जिसमें कि एक तरीके से जिसका परिवार होता है उसको एक तरीके से उसे ज़रूरत होती है, क्यों, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के तरीके से क्रॉप्स को उगाने के लिए जो काम है, ओके, जो कि एक तरीके से उसमें कौन हार्ड बताता है, जो उसके फैमिली के मेम्बर्स होते हैं वो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दिस एयर आर सीन्स हियर प्रोड्यूस अमंग अ स्मॉल ग्रुप, यानी कि एक छोटे से ग्रुप में एक तरीके से क्या किया जाता है, इसे किया जाता है, इसमें जो सेल भी करते हैं, एक्सचेंज भी करते हैं बहुत सारी चीज़ों को। नेक्स्ट है सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड नेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। यानी कि जो एक ऐसे देखा जाए जीविका कृषि, यानी कि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जो कि एक तरीके से ही क्लासिफाई है 2 टाइप्स में। फर्स्ट कौन सा है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और सेकेंड है नेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो फर्स्टली इंटेंसिव में क्या होता है, ये छोटा सा ग्रुप, मान लो कोई भी एक छोटा सा परिवार
चिकन कल्टीवेशन भी कहते हैं, जो कि कौन करता है, जो नोमेडिक होते हैं यानी सेट ऑफ बंजारे।